सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जनप्रतिनिधियों को खुद को कार्यकर्ता समझकर काम करने के दिए निर्देश और कहा वोटर लिस्ट में कोई सही नाम न छूटे और कोई लिस्ट में गलत नाम न शामिल हो। बरेली में मेयर उमेश गौतम ने निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। दो दिन से ज्यादा फाइल रोकने पर जवाबदेही होगी तय। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अट्ठाईस जुलाई को सपा कार्यालय में विधायकों की बैठक लेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है ऐलान। बैठक के बाद नाम पर भी लग सकती है मोहर। 29 जुलाई से यूपी विधानमंडल का सत्र होगा शुरू। एसडीएम ज्योति मौर्य केस के मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को राहत। मनीष दुबे के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। गंभीर आरोपों के बाद मनीष दुबे किए गए थे निलंबित। निलंबन के बाद मनीष दुबे हाईकोर्ट पहुंचे थे। ज्योति मौर्य के पति ने पत्नी और मनीष दुबे में करीबी संबंध बताए थे। यूपी में पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रभारी सचिव निलंबित हुए। संजय कुमार श्रीवास्तव गबन अनियमितता के आरोप में हुए निलंबित। कुर्सी रोड बाजार इंडिया के बगल में शोरूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कुर्सी रोड विकास नगर थाना क्षेत्र का मामला। पूर्व एमएलए इंदल रावत को 7 अगस्त तक के लिए भेजा गया जेल। इंदल रावत पर 2.5 करोड़ रुपए हड़पने का लगा है आरोप। फर्जी दस्तावेज के एग्रीमेंट करने जालसाजों का आरोप। कोर्ट ने 7 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। दस्तावेज के फेर में नहीं फंसेगी मृतक आश्रितों की नौकरी। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय नियमों में कर रहा बड़ा बदलाव। आवेदन के समय ही होगी मृतक आश्रितों की ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद कराया जाएगा दस्तावेजों का सत्यापन। यूपी परिवहन निगम से बसों की खरीद की मिली अनुमति। 120 इलेक्ट्रिक और 1000 डीजल बसें खरीदने की अनुमति। 1000 डीजल बसों को कुंभ मेले में किया जाएगा प्रयोग। परिवहन निगम एमडी मासूम अली सरवर ने दी जानकारी। खेत में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। नहर के रास्ते से होते हुए खेत में पहुंचा था मगरमच्छ। बाराबंकी के कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के भटखेरा गाँव का पूरा मामला। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।